तो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम, जितने भी लोग क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं, तब बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और इस टाइप्स क्वेश्चंस अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर अगला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, डिवीजन जार्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ करता था वह प्रकृति होता है दोस्तों तरंग प्रकृति। क्या आंसर? प्रकृति तरंग प्रकृति, यानी पहला का सेंस रह जाएगा सेकंड, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जो बात करते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है दोस्तों, फोटोन की ऊर्जा होती है, यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा होती है एच वी यू के बराबर होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से तरंग का कलांतर फाइव से डेल्टा एक्स में संबंध है दोस्तों। यहाँ पर रिलेशंस हम आप लोग को निकलवाएंगे, तो यहाँ पर रिलेशंस होता है लैम्डा बटा 2 पाई फाई के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से किरचॉफ्स का किरचॉफ्स का द्वितीय नियम है किस पर आधारित है बाबू? किरचॉफ्स का जो दूसरा नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित रहता है। इट इज बेस्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ट रहता है, यानी चार का सेंस रह जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। ब्रूस्टर का नियम है दोस्तों, ब्रूस्टर का जो नियम होता है म्यू बराबर 10 IV होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, म्यू होगा। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है टाइपिंग में, तो यहाँ पर म्यू बराबर होता है 10 IV। अब अगला क्वेश्चन भी चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से है 10^14 हर्ज की आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा के प्रोटॉन्स की संख्या होती है, यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या होती है 10^20 होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द्विआधारी अंक 10, 10, 1 का दशमलव पद्धति में इसका मान क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर दशमलव पद्धति में हम बाइनरी सिस्टम में इसको निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 21 के बराबर होगा, 21 के इतने के बराबर आता है द्विआधारी अंक। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के जिस भाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पाई जाती है दोस्तों? परावैज्ञानिक किरणें में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, नाभिक के त्रिज्या की कोटि होती है दोस्तों 10^-14 मीटर की बराबर होती है, यानी फर्स्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपका रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है, रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है मीटर इन्वर्स के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों, नंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए डॉट वी रेकरिंग बराबर वाई के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तार्म क्षय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तार्म क्षय। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर है 1/Lω एल ओमेगा की इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर एल ओमेगा की इकाई होती है, यह एल ओमेगा की इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर आर के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपका बान डीग्राफ जनित्र एक ऐसा व्यक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? ऊंचिया वोल्टता है, क्या वंशा वोल्टती है? ऊंचिया वोल्टता, यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करती है वैन डीग्राफ जनरेटर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? यहाँ पर वोल्ट पर मीटर आपका विद्युत क्षेत्र का होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संधारित के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के समान रहती है वह होती है, क्या होती है दोस्तों? विभवांतर होती है, यानी विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। विद्युत द्विध्रुव गुण का एसआई मात्रा क्या होता है बाबू? सीएम होता है, यानी कूलम मीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से बाबू, अगला क्वेश्चन से किसी विद्युतरोधी माध्यम का परिवर्तनांक एप्सिलॉन आर हो सकता है, कितना होता है बाबू? 1 से अधिक होता है, तो यहाँ पर 5 हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक होता है 4.78 × 10^-10
के बराबर होता है क्वांटम मात्रक। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं, मुक्त आकाश के ऊपर वृत्तांक होता है 8.85 × 10^-12 फेराड मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, टेम्परेचर को जब बढ़ाइएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन से 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 25 μF मिलकर 12 बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होता है, सी बराबर होता है बाबू n^1/3 गुणे क्या होता है सी, और बूंदों एन क्या होता है, बूंदों की संख्या 64 है, तो 64^1/3 और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 5, 64 को क्या लिख सकते हैं 4^3 गुणे 1/3 गुणे कितना 5, यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 μF हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन से दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपका परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा के ताप में बदलता है वह कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है किससे मापा जाता है बाबू, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तांबा का कार्य फलन होता है दोस्तों, तांबा का कार्य फलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन से बाबू, अगला क्वेश्चन से PN प्रकार के अर्धचालक के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या होता है बाबू, एंटीमनी के होता है, क्या होता है, एंटीमनी होता है। बीबर मोबाइल आवेश वाहक होते हैं, क्या होते हैं बाबू, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल होते हैं, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 फेराड बराबर होता है दोस्तों 96,500 होता है कुलम के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्युत विभव की बीमा होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारों के रूप में संधि का डायोड का उपयोग व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है, दो डायोड होता है, क्या होता है बाबू, दो डायोड होता है। आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच।